यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम दर्ज करने वाले हैं जीटी फाइव का। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो सर आप लोगों को तो पता होगा कि गजर जो ट्रेवर ना, उसने गजर लॉस्ट एंग ज्वाइन कर ली थी। अब गजर वो ये सोच रहा था कि गजर वो पूरे लॉस सेंटर्स पर कब्जा कर लेगा लॉस्ट एंग ज्वाइन करने के बाद, लेकिन गजर ये उसकी गलत फहमी थी। बट गजर जो ट्रेवर और गजर लॉस्ट एंग के बंदे थे ना, वो गजर मिलिट्री बेस के अंदर चले गए थे। वो भी गजर मिलिट्री वाले बंदों को मारने के लिए, पता नहीं गजर कैसे ही जोश चढ़ गया था। लेकिन गजर मिलिट्री वालों ने क्या करा, गजर ट्रेवर को तो ह्यूमन लेवल लेकर जा चुके थे। अब गजर जो लॉस्ट के बंद ना, उनको मार दिया था। अब गजर लेसर की वजह से गजर मैं और फ्रैंकली कहते गजर ह्यूमन लैब और वहां पर जाकर ट्रैवल को जैस करके छुड़ा के लेके आ चुके थे। अब गजर हमारी जो रियल टाइम लोकेशन है ना, वो गजर एक बंदा था, मतलब गजर एक हैकर लड़की थी जो कि गजर मिलिट्री वालों को सेंड कर रही थी। तो गजर हमने उस हैकर लड़की को ना पकड़ लिया था जैसे करके। अब गजर वो जो लड़की थी ना, वो ये बोल रही थी मिलिट्री वालों के पास ट्रैवल के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, जब तक तुम उसको रिमूव नहीं करोगे या डिलीट नहीं करोगे ना, तब तक गजर ये मिलिट्री वाले बंदे ये गजर ट्रैवल का पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो गजर इसलिए मैं और फ्रैंकली गजर मिलिट्री बेस के अंदर गए, वहां पर जाके गजर हमने सारे से सर्वर रूम था ना, वो गजर डिस्ट्रॉय कर दिया था जैसे करके। अब गजर उसके बाद में जैसे घर पर आया ना, तो गजर यहाँ पर आप लोग देख पाओगे तो गजर ये जो ट्रेसी का डॉग था ना, ये गजर मार दिया है, वो भी गजर डगन बॉस की सिक्योरिटी ने। और गजर जो ट्रेसी है उसका भी अता पता ही नहीं है किधर की तरफ है, पता नहीं चल रहा है। अभी गजर यहाँ पर आप लोग देख पाओगे गजर यहाँ पर जो ना जिमी गजर अमेंडा को चुप कराने में लगा हुआ है। अमेंडा काफी देर से रोए जा रही है, पता नहीं गजर ये जो ट्रेसी है ये कहां पर ही जा चुकी है। अब गजर मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि गजर जो डेविन की सिक्योरिटी थी ना, वो गजर ट्रेसी को उठा के लेके जा चुके हैं। अब गजर जो डेविन है ना, इतना ज्यादा खतरनाक बंदा है, आप लोगों को पता हो गजर हमने इसके लिए एक आर्ट चुराई थी। अभी गजर यहाँ पर ना एक लेसर है जो हमारी हेल्प कर सकता है, तो कोई नहीं गजर यहाँ पर जो ना ये वाली गाड़ी पिचकारी सी गाड़ी को उठाता हूँ और इसी तरह से अभी ना मैं लेसर के पास निकल रहा हूँ। अब गजर जो ट्रेस है उसको तो जैसे करके बचाने पड़ेगा। अब गजर उसका ना फोन नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है। गजर मेरे को तो वही लग रहा है गजर डेविन आया था अपने घर में और गजर डोगी को तो मार ही गया, साथ में जो ट्रेस है ना उसको भी किडनैप करके लेके जा चुका है। अब गजर ये जो गाड़ी है गजर आप लोगों को पता हो गजर ये जो है ना ट्रेसी की गाड़ी है। अब भाई अपने घर में से गाड़ियां भी चोरी होने लगी है भाई, सब पता नहीं क्या सीन है। वैसे भी गजर अपनी सारी सारी गाड़ियां मैंने अपने शोरूम में खड़ी कर रखी थी, तो कोई नहीं गजर यहाँ पर जो अपनी गाड़ी को जल्द से भगाता हूँ। और इस तरह से अभी ना मैं लेसर के बेस में निकल रहा हूँ, मतलब लेसर की फैक्ट्री में निकल रहा हूँ। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं 1500 लाइक कर लेकर भाई पूरा करा देना। और गजर अभी तक सेकंड चैनल चेकआउट नहीं करता, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन जाएगा, आप जगह चेकआउट कर सकते हो, उस पर जीटी फाइट होता था। और गजर मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भूलना। तो गजर जल्द से निकलता हूँ लेसर की फैक्ट्री में। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर अपनी गाड़ी को भगाते बस सीधा गजर अभी ना लेसर की फैक्ट्री पहुंचने वाला, क्योंकि गजर लेसर जो है वो यहीं पर मिलने वाला है। बट कोई नहीं गजर यहाँ पहुंचे इसी गाड़ी को जस्ट लेके चलता हूँ। वैसे तो गजर ये गाड़ी दिखने में छोटी है, लेकिन गजर इसकी जो हैंडलिंग है ना काफी ज्यादा बढ़िया है। तो कोई नहीं गजर गाड़ी को जो मैं यहीं पर लगाता हूँ जस्ट है, और सीधा गजर अंदर की तरफ निकलते हैं और देखते हैं जो लेसर है वो क्या ही बताना चाह रहा है। बताना क्या चाह रहा है गजर, इससे बात करनी पड़ेगी और गजर लेसर को ना सारी सारी जो सच्चाई है वो डेविन के बारे में बतानी पड़ेगी। अब गजर आप लोगों को पता होगी गजर हमने जो आर्ट चुराई थी ना, वो गजर मेरे पास ही है। अब गजर लेसर को मैंने नहीं बताया कि गजर वो जो आर्ट है मेरे पास है, बट कोई नहीं अगर लेसर पूछेगा तो बता दूंगा। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर यहाँ पर लेसर लग चुका। अब गजर लेसर ये बोला है गजर वो कॉल करके बता देगा। अब गजर मेरे पास ना बैनी कॉल है और गजर बैनी मेरे को तुरंत की तुरंत ना अपने शोरूम के अंदर बुला रहा है। मतलब गजर हमारा जो शोरूम ना आप लोगों में चल के दिखाता हूँ, गजर बैनी जो है ना, गजर बैनी ना भी अपनी वर्कशॉप के अंदर बुला रहा है। अभी चल के देख लेते हैं, अपना शोरूम की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, आप लोगों को बार चल के दिखाता हूँ। गजर ये वाली गाड़ी मुझे लग रहा है लेसर की है, तो कोई नहीं गजर ये वाली गाड़ी को जस्ट लेके चलते हैं। बाकी पता नहीं गजर कौन सी गाड़ी है, कोई एसयूवी टाइप की है, कोई नहीं गजर काफी ज्यादा भारी और तगड़ी गाड़ी लग रही, दमदार कितनी है भाई। गजर बैनी ये बोल रहे कि जितनी जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी आ जाओ। तो गजर आप लोग को पता होगा गजर मैं एक बाइक लेके आया था, वो भी गजर बाइक नहीं लेके आया था, मतलब बाइक गजर बाइक का इंजन लेके आया था, वो भी गजर लॉस एंड कस्टम शॉप से। अब गजर बैनी ने उस बाइक को जो मॉडिफाई कर दिया है, वो गजर एक रेसर को भी डिलीवर करनी है। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर अपनी गाड़ी को भगाते हुए सीधे गजर जो है अपने शोरूम में पहुंचने वाला हूँ। और गजर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर यहाँ पर जो ना अपने शोरूम की हालत, मतलब अपना शोरूम आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो गजर यहाँ पर बैनी और मैंने गजर अपना शोरूम है वो सेल कर दिया है। अब गजर एक बंदे ने काफी अच्छे प्राइस में हमारा शोरूम ले लिया है। अब गजर अपने पास एक भी शोरूम नहीं है, और गजर वो जो बंदे जिसने लिया ना गजर, वो जो ये वाला हमारा जो शोरूम है वो पूरा तोड़ दिया है, और गजर उसके बदले में गजर यहाँ पर मॉल बनवाना चाह रहा है। तो गजर यहाँ पर जो बैनी है ना, उसने गजर $150 मिलियन की डील करी थी अपने शोरूम के लिए। बट कोई गजर हमने एक बंदे से बात कर रखी है एक शोरूम के लिए, वो जो शोरूम है ना वो तो गजर अभी 1-1.5 हफ्ता लग जाएगा बनने में, तो इतनी कोई दिक्कत की बात है। गजर अभी ना अपने पास एक भी शोरूम नहीं है यहाँ पर। गजर ये जो आप लोग बंदे देख पा रहे हो ना, ये जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये गजर उसी के बंदे, यहाँ पर मॉल वॉल बन रहा होगा। तो कोई नहीं गजर अभी ना अपने पास एक भी शोरूम नहीं है, तो गजर मेरे को जो बैनी के वर्कशॉप में निकलना पड़ेगा। 10-15 दिनों से एक भी गाड़ी सेल नहीं हुई थी, अपना जो बिजनेस है ना इतना ज्यादा डाउन जा रहा था। तो गजर हमारे पास कोई और चाह नहीं था, हमने जो अपना शोरूम बेच दिया। ये जो लोकेशन है ना गजर ठीक है, लेकिन गजर इतनी ठीक नहीं है। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर अपनी गाड़ी को भगाते हुए सीधा गजर अभी जो है बैनी तक गैरेज में पहुंचने वाला हूँ। बस अपने को जो यहाँ से लेफ्ट की तरफ रहना है, और बैनी का गैरेज जो है वो आ जाएगा। ओ भाई आराम से
से, तो कोई नहीं कहा आप अंदर की तरफ मैं लेके चलता हूँ जैसे। अबे यार एक तो गजर ये जो बैन है अंदर से लॉक कर रखता है भाई, खोल भी दिया कर कभी। तो कोई नहीं कहा मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ गाइजर, गार्ड को जो है मैं यहाँ पर लगा दो सीधा अंदर की तरफ लेके चलता हूँ भाई, ये मेरी गाड़ी नहीं है ये लैस की गाड़ी है। तो कोई नहीं कहा यहाँ पर जो गाड़ी को लगा दो, बाकी बैन ने भाई स्पेस को ज्यादा बड़ा नहीं कर लिया है जो ना। मुझे क्या लग रहा है बैन ने अपना जो गैरेज है ना भाई, सारा जितना भी शोरूम से कमाता है मुझे क्या लग रहा है सिर्फ गैरेज में लगा देता है। जब मैं लास्ट टाइम आया तब कोई और ही गैरेज था, मतलब अब कुछ और ही इसका टेक्सचर जो चेंज कर दिया है। तो कोई नहीं यहाँ पर जो ना बाइक वाइक को देखने में लग रहा है, यहाँ पर बैनी किधर की तरफ है भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो कोई नहीं सर इनके मैकेनिक से बात कर लेता हूँ और पूछ लेता हूँ कि बैनी किधर की तरफ है। तो कैसे यहाँ पर मेरे इस बंदे से बात हो चुकी है। अब अगर ये जो बंदा ये बोल रहा है यार बैनी सर तो अपने जो है ऑफिस में बैठे हैं। बैनी सर, अरे भाई साहब बैन ने कहा ये जो है ना मुझे लग रहा है बंदे अंदर रखवा लिए हैं। बाकी भाई बैन ने पूरा जो है भाई कितना बड़ा स्पेस कर लिया ना। तो कोई नहीं यहाँ पर इसका ऑफिस में निकलते हैं। अरे भाई साहब यहाँ पर भाई कॉफी ऑफी का भी जुगाड़ कर रखा है बैन ने। तो भाई साहब यहाँ पर जो अंदर की तरफ एक दुकान खोल लिया, मतलब दुकान क्या बोल रहा हूँ इसको, एक शॉप से खोल लिया है। तो कोई नहीं कहा यहाँ पर ऑफिस है कि नहीं यार ये ऑफिस तो नहीं है भाई, सारा सारा पैसा यहीं पर लगा रहा है क्या यार, ये इसका मीटिंग रूम लग रहा है। और बैन ने कितना ज्यादा बड़ा बड़ा अक्षर में लिखवा रखा है बैनी ओरिजिनल मोटर वर्क्स, कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। तो कोई नहीं कहा यहाँ पर आके तरह निकलते हैं। और कैसे ये बैनी का भाई अपने शोरूम से तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो कोई नहीं कहा यहाँ पर मैं आके तरह आ चुका हूँ। लो भाई साहब जी यहाँ पर भी खाली पड़ा हुआ है। अब कोई बताएगा मेरे को कि बैनी किधर की तरफ है भाई, पूरा इतना ज्यादा बड़ा बैन ने बना रखा है ना ये अपना गैरेज। तो कोई नहीं वैसे एक रूम और बच रहा है इसके अंदर, जल्द से चले जाते हैं। लो भाई साहब जी बैनी भी है और यहाँ पर सिमियन भी है भाई, सिमियन का करना चाह रहा है। तो कोई नहीं यहाँ पर गजर जल्द से बैनी से बात कर लेता हूँ। गजर यहाँ पर मेरी बैनी से बात हो चुकी है। अब गजर बैनी ये बोल रही है जो बाहर की तरफ बाइक खड़ी थी ना, जो मतलब मैकेनिक लोग ठीक करने में लग रहे थे वो ठीक हो चुके, बस गजर थोड़ा बहुत कपड़ा पड़ा मार रहे थे उस पर। अब गजर वो जो रेसर है ना वो ये बोल रहा है कि एक घंटे के अंदर अंदर ये जो बाइक है ना डिलीवर हो जानी चाहिए। अब गजर जल्द से उस बाइक को उठाता हूँ और सीधा निकलना पड़ेगा गजर उसको डिलीवर करने के लिए। बिल्कुल भी यहाँ पर देरी नहीं करते हैं क्योंकि गजर वो जो रेसर है ना वो ये बोल रहे गजर अगर एक घंटे से एक मिनट भी ऊपर हो ना तो एक भी पैसा नहीं देगा वो बाइक के। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर जस्ट आके तो निकलता हूँ। और मैंने बैनी से बोल दिया कि यार ये जो गाड़ी है रेड कलर की ये मेरी नहीं है, लेसर के मैं लेसर को उठा के ले आया था, ये यार तो भिजवा दियो किसी मैकेनिक के हाथों में लेसर की फैक्ट्री के बाहर, ना तो लेसर चिड़बिड़ जाएगा। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर जो इसी बाइक को जस्ट लेके चलता हूँ। अरे भाई जी इसकी साफ सफाई हो गई हो तो भाई मैं ले जाऊँगी उसको। अबे भाई साहब मैकेनिक होकर मैं बैठा हुआ मजे ले रहा हूँ। ओके जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो गजर ये जो बाइक है कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, अबे कावासाकी की निंजा लग रही है मेरे को तो भाई साहब, भाई कितनी ज्यादा मस्त लग रही है भाई। बैन ने तो गजर इसका जो है भाई पूरा हुलिया ही चेंज कर दिया है। मैं गजर इंजन भाई जब मैं बाइक को ला रहा था ना तब गजर उसमें धुआं निकला था, लेकिन गजर बैन ने जो है मजा ही बांध दिया है। ओ ओ भाई उठना चाह रही भाई ये बाइक, और व्हीली व्हीली भी काफी ज्यादा जो है बढ़िया मार दे रही है। मतलब मैं अभी मार नहीं रहा हूँ लेकिन मारने के लिए ट्राई करता हूँ। कैसे यहाँ पर व्हीली मारते हैं इसको, व्हीली कैसे मारते हैं भाई मैं तो भूल भूल गया हूँ क्या, बट कोई यहाँ पर जो है जैसे व्हीली मारते हैं। ओ भाई भाई क्या ही गदर जो है इसकी व्हीली लग रही है। तो कोई नहीं यहाँ पर जो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस बाइक को जो डिलीवर कर देते हैं। बाकी गजर काफी बढ़िया बाइक लग रही है गजर, आप लोगों मेरे को बताना गजर ऐसी बाइक को और इंपोर्ट करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। उससे अभी उसी बंदे के पास निकलते हैं। गजर इस बाइक की जो कीमत है ना गजर बैनी ये बता रहा है कि गजर $2 million है। ओ भाई समझ लग गया था बाइक की $2 million काफी ज्यादा है, गाड़ियां आती है भाई $2 million में तो बाकी उससे भी सस्ती में आती है। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो गजर अपनी बाइक को भगा दूंगा सीधा गजर पीछे ना उस लोकेशन पहुंच चुका हूँ जहाँ पर कि मेरे को बैन ने बताया था। बाकी यहाँ पर ओ एक सेकंड, लो भाई साहब यहाँ पर जो है इतने सारे बाइकर वाइकर लोग खड़े हुए हैं। तो कोई नहीं गजर मैं अपनी बाइक को भी जैसे यहाँ पर लगा दूँ, अपनी क्या बाइक इसकी बाइक बंदे की। तो कोई नहीं ओ गिर तो नहीं गई ना। ओ भाई एक सेकंड अबे सॉरी सॉरी सर सॉरी, अबे भाई एक सेकंड ये बाइक भाई इतनी ज्यादा भारी है क्या, एक सेकंड भाई साहब मेरे से गिर कैसे गए भाई ये, एक सेकंड तुम्हारी भैंस है बेटा इतना ज्यादा कमजोर तो नहीं हूँ भाई मैं। फाइनली ये जो है मैंने स्टैंड लगा दिया नीचे की तरफ। बाकी गजर आप लोग आग की तरफ से देखो भाई सबसे ज्यादा बाइक इसकी मस्त लग रही है, और भी बाइक है लेकिन और भाई साहब ठीक है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो कावासाकी की निंजा है ना S2 काफी ज्यादा मस्त लग रही है। तो कोई नहीं कहा यहाँ पर ये बंदा मेरे को लग रहा है इससे जल्द से बात कर लेता हूँ और जल्द से पेमेंट लेके निकलते हैं। तो क्या यहाँ पर इस बंदे ने मेरे को जो पेमेंट कर दिया पूरी। अभी गजर यहाँ से जो है एक गाड़ी को उठाता हूँ और यहाँ पर गई कोई ढंग की गाड़ी नहीं है क्या, बट कोई नहीं गजर यहाँ पर ये वाली गाड़ी मेरे को ठीक लग रही है। बाकी अगर ये जो रेसर बंदा ने ये बोल रहा है अगर अगर ये रेस जीत जाता ना तो अगर यहाँ पर और भी बाइक को हमारे मतलब शोरूम से इंपोर्ट करा लेगा, मतलब अगर खरीद लेगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको क्या पता भाई इंजन मिलने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट कोई जैसे करके मिल गया था। अबे भाई इतना ज्यादा आवाज क्यों कर रही है भाई ये, इतना ज्यादा तो भाई मैं चुराई भी नहीं, इतनी मस्त तो गाड़ी भी नहीं है। अभी ने लैसे की मेरे पास को ले रहा है, लैसे ने मेरे को जगह बता दी जहाँ पर गया ट्रेसी मिलने वाली है। अब गए ट्रेसी को गए कोई बंदे किडनैप करके ले गए थे, वो तो कहते उन्हीं बंदों से पता कर लूंगा, लेकिन गए जैसे
लेकर कुछ लेसन है, लोकेशन निकाली, काफी बढ़िया बात हो चुकी है। अभी अगर आप अपनी गाड़ी को भगा तो जल्द में, तो अगर आप अपनी गाड़ी को भगा तो बस सीधे अगर अभी लेसन की बात है जहाँ पहुंचने वाला हूँ लेसन, तो अगर मेरे को जो यही लोकेशन बताई है, बट कोई नहीं गाइस, गाड़ी को जो मैं अंदर की तरफ जैसे लेकर चलता हूँ, ओ ओ ओ एक सेकंड गजर, ये जो जगह है ना गजर पूरा फैक्ट्रियों का इलाका है। ओ भाई साहब गजर, ये डेविन है ना इतना ज्यादा खतरनाक बंदा है गजर, इसका मैंने सत्यानाश कर दूंगा। तो कोई गजर यहाँ पर अपने हाथ में गन पकड़ लेता हूँ जल्द से, तो कोई गजर यहाँ पर जो मैंने अपने हाथ में भी गन पकड़ लिया। अभी सीधा गजर यहाँ से अंदर की तरफ निकलता हूँ और मेरे को पक्का पता है यहाँ पर जो, ओ ओ एक सेकंड भाई साहब क्या, ओ भाई साहब गजर यहाँ पर जो मेरे को बंदे तो दिख चुके हैं इनकी ऐसी की, बेटा निकल तुम्हारी भैंस है गजर यहाँ पर जो मैं भी रख रख के बजाने वाला हूँ भाई, काफी सारे बंदे हैं बेटा, आज जितने आ सकते हो ना गजर, ये जो डेविन की सिक्योरिटी है बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर जो मैं आर्मर वर्मर पहन के आऊँ, कोई नहीं कोई नहीं, ओ आ जा जैसे तेरा सर फाड़ूंगा तेरी ऐसी की तैसी बेटा, एक एक का सर फाड़ दूंगा, क्यों ही मेरे से मरना चाह रहे हो। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर कवर ले लेकर मारेगा बेटा, इतना बड़ा होगा तेरा सर मेरे को दिख रहा है, ओ ओ भाई साहब इसका जो है सर ही फाड़ दिया है, बट कोई नहीं बेटा तुम्हारी भैंस क्या, ये फूटते उठते नहीं है क्या सिलेंडर वलेंडर, एक सेकंड तेरी ऐसी की तैसी निकल आ जाए तू भी, ओके इसमें जो है मैंने रख रखा बजा दिया। बाकी मेरे पीछे क्या है, मेरे पीछे कोई बंदा है क्या, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है। ओ एक सिंगर यहाँ पर जो है काफी सारे बंदे मैंने ढेर कर दिए हैं, लेकिन एक दो बंदे जो कैसे कंटिन्यूसली गोली चला रहा है, इसको देखो चूरन बंदे तेरी ऐसी तैसे निकले यहाँ से, एक गोली खत्म नहीं है भाई साहब, बदमाश बन रहा है इसका भी जो है मैंने खेल खत्म कर दिया है। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ट्रेसी को इन्होंने कहाँ पर किडनैप करके रख रखा है। ओ भाई साहब गाइस यहाँ पर जो ना इनकी तो भाई मैंने लड़ियाँ लगा दी हैं। तो कोई नहीं गाइस आप लोग जो जगह देखो कितनी ज़्यादा खतरनाक जगह है, बट कोई नहीं, ओ ओ एक सेकंड यहाँ पर आके तो जल से निकलता हूँ और यहाँ पर ना ट्रेसी को ढूंढना पड़ेगा। और गाइस ये जो जगह है ना इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, तो कोई नहीं यहाँ पर जो ऊपर की तरफ चले गए, क्योंकि गाइस ऊपर की तरफ से ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़ारा मेरे को दिखने को मिल सकता है। ओ भाई साहब यहाँ पर दो बंदे हैं और दोनों ने गाइस ट्रेसी के ऊपर एम कर रखा। अब एक सेकंड तुम्हारी ऐसी क्या, क्यों नहीं चढ़ पा रहा भाई, निकल तेरी भैंस यार, तू भी निकल बेटा। ओके यहाँ पर मैंने इन पर गोली चला दी है, ट्रेसी को गोली तो नहीं लगी ना, बाकी कोई नहीं यहाँ पर जो ट्रेसी को जल से लेके निकलते हैं। ओके यहाँ पर मैंने ट्रेसी से बात कर लिया, यहाँ पर जो है जल से निकलते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो ना क्या पता गाइस डेविन के और बंदे आ जाए, तो गाइस यहाँ पर जो है कुछ और ही सीन हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता गाइस यहाँ पर जो दोबारा से लड़ाई, क्योंकि गाइस अभी मेरे साथ ट्रेसी है, मैं तो लड़ दूंगा लेकिन गाइस जो ट्रेसी ना वो नहीं लड़ पाएगी। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर जल से बाहर तरफ निकलते हैं। एक तो गाइस ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है भाई साहब, क्या बना रखा भाई यहाँ पर, मैं दलदल बोल रहा हूँ मैं, गाइस यहाँ पर लावा वावा चल रहा है। तो कोई नहीं गाइस ये एक तरह कंट्रोल रूम लग रहा है मेरे को, पता नहीं किस हिसाब से जो इन्होंने कंट्रोल रूम बना रखा है। तो कोई यहाँ पर जो बाहर तरफ आ चुका हूँ, जल से गाड़ी को उठाते हैं, और ट्रेसी किधर रहेगा यार, अब लो भाई साहब। तो कोई नहीं कहा जल्दी से ट्रेसी को उठाते हैं, मतलब बुलाते हैं, तो कैसे यहाँ पर जो वो ट्रेसी भी आ चुके हैं, बेटा जल्दी से आगे बैठ जा, अभी गजर मैं ट्रेसी को ना सीधा घर पे छोड़ूंगा। ओ एक ये रास्ता कहाँ, नहीं यार ये वाला रास्ता तो नहीं ला गजर, मैं जो नॉर्मल रास्ता जा रहा हूँ, आई थिंक मैं इस रास्ते से आया था। ओके यहाँ पर जो अपना काम यहाँ पर हो चुका है काफी ज्यादा बड़े तरीके से। अब गजर ये जो लोग है ना इतने ज्यादा खतरनाक है मेरे को पक्का पता है। ओ भाई भाई एक सेकंड तुम्हारी ऐसी तो साइड हो जाओ भाई, बेटा अभी मूड खराब है, उड़ा के चले जाऊंगा, पता भी हवा भी नहीं आने दूंगा। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर यहाँ पर जो अपनी गाड़ी को भगा दे, सीधा गजर अभी ना अपने घर पहुंचने वाला हूँ सीधा। ओ भाई भाई निकल तेरी भैंस, बेटा क्या करने आ रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी बेटा पारक समझ रखा है क्या हमारे घर को, पता नहीं क्या सीन है। बट कोई गजर यहाँ पर जो ट्रेसी को सीधा अंदर की तरफ लेके चलते हैं, वो तो अच्छा हो गया यहाँ पर जो ना ट्रेसी को उन्होंने ज्यादा मतलब गजर टॉर्चर नहीं किया था। तो कोई बाहर की तरफ आई थिंक गजर जो माइकल की फैमिली थी ना, कोई नहीं गजर यहाँ पर जो बाहर तरफ आ चुके लोग गजर वो दोनों खड़े, और पीछे की तरफ से ट्रेसी भी आ चुके हैं। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर जो ना जल्द से बात कर लेता हूँ, अब भाई रो मत यार ट्रेसी आ चुकी है। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर यहाँ पर जो ना पूरी जो फैमिली है वो अब साथ में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गाइस यहाँ पर जो है ना मैंने लमार से बोल दिया कि तू जल्द से जल्द यहाँ पर आ जा, क्या पता गाइस जो डेविन है वो दोबारा से अटैक ना कर दे, और यहाँ पर ना थोड़ी बहुत जो है सिक्योरिटी गार्ड भी लेकर आ जा। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर ना अभी मेरे पास लेसी को लाई है, और लेसी मेरे को तुरंत की तुरंत ना अपने बेस के अंदर बुला रहे, चल के देखते क्या सीन है। ट्रेसी ये बोल रही गाइस जो डेविन है ना उसको तो खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने ट्रेसी को डॉग को मार दिया है गाइस, वो इतना प्यारा डॉग था भाई साहब, ट्रेसी को किडनैप कर लिया साथ में गाइस उसका डॉग को मार दिया भाई, अब कैसे भाई इंसानियत नहीं है क्या। तो कैसे यहाँ पर जो मैं अपनी गाड़ी को भगाते बस सीधे गाइस अभी लैस से घर पे पहुंच चुका हूँ सीधा, और गाइस मैं जो है इस गाड़ी को यहीं पर लगाता हूँ जल्द से, और सीधा गाइस अंदर की तरफ निकलते हैं, देखते हैं जो लैस है वो क्या बताने चले। बाकी मैं इस गाड़ी को अंदर क्यों लगा रहा हूँ भाई, ये गाड़ी भाई चोरी की है, और चोरी की गाड़ी जो है मैं लैस से घर में लगा रहा हूँ भाई वो बोलेगा तो। बट कोई नहीं गाइस यहाँ पर जो मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, बाकी अगर ये वाला जो लैस का घर है काफ़ी बढ़िया जगह पर है, और भाई काफ़ी मस्त भी है, आप लोग देख पा रहे कितना ज़्यादा बड़ा यहाँ पर टीवी लगा रखा है भाई, टीवी बस शोकेस के लिए लगा रखा है, मुझे पक्का पता है लैस का भी टीवी देखता नहीं है, क्योंकि जो लैस पूरे दिन जो है भाई कंप्यूटर कोडिंग वोडिंग कर रहता है। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर जल्द से नीचे की तरफ निकलते हैं, और देखते हैं लेसर है किधर की तरफ भाई, यहाँ पर किधर मैं नीचे की तरफ तो आ चुका हूँ, काफी ये तो मस्त मस्त है, यहाँ पर सीनरीज भी लगाई हैं। लो भाई सब यहाँ पर आई थिंक लेसर तो होना चाहिए, लेसर यहाँ पर भी नहीं है, बट ये डोर वोर है क्या, खुल तो ओके यहाँ पर खुल तो चुके हैं। लो भाई साहब जी
यहाँ पर जो मेरे को लेसर दिख चुका है और साथ में इधर फ्रैंकलिन भी है और ट्रेवर भी है भाई। जैसे लेसर बात करता हूँ पूछता हूँ क्या सीन है, बग गया यहाँ पर भाई कितना ज्यादा तगड़ा नजारा आ रहा है। ओ भाई 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 मजा ही आ गया। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो भाई कितना ज्यादा मस्त नजारा आ रहा है। तो कोई नहीं, नजारा बाद नजारों का मजा बाद में लेंगे। यहाँ पर जो जैसे लेसर बात कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर लेसर बात हो चुकी है। अब गजर लेसर ये बोलेगा सर उसने डेविन की जो लोकेशन है वो निकाल लिया है। अब गजर डेविन ने एक नए मेंशन में रह रहा है, वो भी गजर काफी ज्यादा खतरनाक मेंशन है। अब गजर उसके अंदर ना काफी तगड़े तगड़े मतलब गजर स्वेट के बंदे हैं। अब गजर लेसर ये बोला है गजर तुम तीनों के तीनों जाओ, लेकिन गजर यहाँ पर ट्रेवर ये जिद कर रहा है कि गजर वो अकेला जाएगा और अकेला गजर जो डेविन है ना उसको पकड़ के लाएगा सीधा गजर हमारे पास। अब गजर यहाँ पर मैंने ट्रेवर को बता दिया भाई मैं तुझे अकेला बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, लेकिन गजर ट्रेवर ये बोलेगा गजर उसको एक गलती सुधारने का मौका चाहिए। अब गजर आप लोग को पता होगा ट्रेवर ने गजर लॉस्ट गैंग ज्वाइन कर ली थी। ट्रेवर ये बोल रहा है गजर आज के बाद वो ऐसी गलती कभी नहीं करने वाला और उसको एक गलती सुधारने का एक मौका चाहिए। अब गजर यहाँ पर मैंने ट्रेवर से बोल दिया है कि अच्छा चल कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो मेरे को कॉल कर दो, मैं तुरंत के तुरंत ही आ जाऊंगा। ट्रेवर ये बोल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गजर यहाँ पर ट्रेवर जाने वाला है गजर डेविन घर पे, वहां से गजर डेविन को किडनैप करके लेकर आएगा और गजर फिर जो है हम उसका भूत बना देंगे। अब गजर देखने वाली ये बात है जो ट्रेवर है वो गजर डेविन के घर में जाके किडनैप कर ही पाता नहीं कर पाता, या गजर मुंह तुड़वा के आ जाता है। ट्रेवर के ऊपर स्विच हो चुका हूँ, अभी गजर आगे का जो काम है वो ट्रेवर ही संभालेगा। ट्रेवर ने वैसे भी इतनी ज्यादा गलती करी है लॉस एंग ज्वाइन करके और मतलब गजर माइकल के ऊपर भी अटैक किया था, तो गजर इतना तो बनते बनते ट्रेवर को अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो चाहिए। अब देखते गजर जो ट्रेवर है वो अपनी गलती सुधार पाता नहीं सुधार पाता, बट कोई नहीं गजर जैसे ऊपर की तरफ निकलते हैं और गजर डेविन के घर में निकलना पड़ेगा। अब गजर डेविन इतना ज्यादा खतरनाक बंदा है बट कोई दिक्कत की बात नहीं गजर, उसने गजर ट्रेसी को तो किडनैप किया था साथ में गजर जो ट्रेसी का डॉग है ना उसको भी मार था, तो गजर इसका पता तो गजर मौत से ही हो सकता है। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर गाड़ी को जस उठाता हूँ और सीधा निकलना पड़ेगा डेविन घर पे। बाकी गजर ये जो गाड़ी ना मेरे को लग रहा फ्रैंकलिन की है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे गजर आजकल जो फ्रैंकलिन है भाई कुछ ज्यादा पैसे वैसे खर्च करने लग गया, कभी रोल्स चला रहा है, कभी मर्सिडीज चला रहा है, कभी यार लैम्बोर्गिनी चला रहा है। क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गजर अपनी गाड़ी को भगाते बस सीधा गजर भी जो है डेविन के घर में पहुंचने वाला हूँ। और आप लोग सामने की तरफ घर देख पा रहे हो ना गजर, इसके अंदर ही डेविन है। अब गजर मेरे को क्या लग रहा है डेविन ने गजर ये जो घर है खरीद लिया होगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं गजर आज ना उसको तैरा तैरा के मारेंगे, मतलब तैरा तैरा के क्या मारेंगे मतलब गजर एक एक चीज का बदला लेंगे। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर अब ट्रेवर गजर आप लोगों को बताया सन की दिमाग का है क्या पता गजर यहाँ पर ट्रेवर का ये बात प्लान काम हो जाए। तो कोई नहीं गजर गाड़ी को मैं यहीं पर लगा देता हूँ, बाकी गजर आप लोग इसका मेंशन देखो। और गजर इसमें ना मैरी वेदर के गार्ड्स भी हैं। अब गजर जो मैरी वेदर के गार्ड होते हैं ना काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब गजर टॉप लेवल की सिक्योरिटी में वही आते हैं। अब गजर यहाँ पर देखो बेटर डेविन तू बैठा रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तेरा जो है ना आज भाई सत्यानाश कर दूंगा। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर अपने और यहाँ पर मैं इनका मत्था बजाने वाला हूँ। आगे की तरफ ना एक बंदा मेरे को दिख रहा है और मतलब गजर वो गजर इधर से उधर घूम रहा है। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर जो ना मैं इन एक एक गार्ड में जो रख रख के बजाने वाला हूँ। बेटा डेविन कोई दिक्कत की बात नहीं है, तेरे घर से मैं तेरे को उठा के ले जाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। एक घंटे से भाई खड़ा होकर पता नहीं क्या ही करने में लग रहा है गजर। अब आ चुका है गजर अपनी असली गन निकालने का टाइम। एक एक वोल्टेज आऊ बेटा छाती फाड़ दूंगा। तो कोई नहीं गजर आज मैं इनका सर फाड़ जाऊंगा। बेटा गेट खोलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी बेटा गेट लॉक करेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज मैं जो है ना इसका पूरा पूरा जो घर है वही तबाह कर दूंगा। ओ एक सेकंड नीचे की तरफ टकले शकल दिखा दे जल्द सकल इतना तेरी ऐसी की तैसी। ओ भाई भाई इसको तो भाई मुंह मुंह पे भर दी भाई गोलियां जो ना मुंह सर के अंदर बांट दी। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर आगे से निकलते हैं। यहाँ पर काफी सारे मैरी वेदर से गार्ड्स हैं गजर, मैं आज जो है ना एक एक चुन चुन के मारने वाला हूँ, बदला लेने वाला हूँ। वैसे भी गजर यहाँ पर जो ट्रेवर आप लोगों को पता है सन की इंसान है भाई साहब, मौत का बदला मौत से होगा। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हो मतलब मौत का बदला गजर जो ट्रेसी का डॉग है उसकी मौत का बदला। तो कोई नहीं गजर ऊपर की तरफ जल्द से निकलता हूँ। यहाँ पर बेटा किधर की तरफ भी छुपा पड़ा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर काफी सारे जो है मैरी वेदर से गार्ड मेरे को दिख रहे हैं। ओ सर सर निकलिए आप यहाँ से, बेटा एक गोली का खेलनी है। ओके और तो कुछ नहीं। अबे भाई कैसी आर्मर पहन रखा भाई गजर, मैंने इसमें इतने रख रख के बजाए तब भी बहुत सा उत्तरी भैंस क्या भाई काफी तगड़े तगड़े जो है आर्मर इन्होंने पहने हुए हैं। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर जो ना मैंने सारे से जो मेरी वेदर से गार्ड्स हैं वो निपटा दिए हैं। अब भी गजर यहाँ पर डेविन को देखना पड़ेगा कि बेटा किधर की तरफ छुप रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे पक्का पता है गोली की आवाज़ सुनकर तो गजर ये कहीं ना कहीं छुप रहा होगा। मैं नीचे की तरफ आ चुका हूँ, बेटा डेविन कोई दिक्कत की बात है बाहर निकल जा आराम से। अब भाई भाई मैं कहाँ पानी में कूद गया गलती से। तो कोई नहीं वैसे भी गजर ट्रेवर नहा लिया, काफी सालों से नहाया नहीं, सालों से क्या भाई काफी दिनों से नहाया नहीं था। बेटा डेविन कहाँ छुप रहा है, अरे भाई साहब बेटा कहाँ तेरी है बेटा तेरी भैंस क्या एक रैप्टे कदम नहीं है बेटा, बदमाश बन रहा था यहाँ पर जो है भाई सब धूप सेक रहा था। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर जो ना अब इसकी ऐसी तैसी मार देंगे गजर कोई दिक्कत की। बेटा ट्रेवर को तुमने हल्के में ले रखा है क्या। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर जो ट्रेवर ने गजर यहाँ पर मतलब गाड़ी की डिग्गी में इसको बंद कर दिया है। बेटा ज्यादा जो है चालू पंथी करने की कोशिश मत करनी, तो इसी डिग्गी में ना गजर आज जो है इसका सत्यानाश कर दिया जाएगा।
तो कोई निकाल, यहाँ पर जो इसकी चूरन सी गाड़ी को लेकर निकलते हैं भाई, पता नहीं कितना सारा पैसा है इसके पास, और भाई ऐसी नकली सी गाड़ी अगर घर के बाहर खड़ी कर रखी है। मैं माइकल और फ्रैंक को जैसा कॉल करके बुला लेता हूँ एक जगह पर। अब गैजर इसको एक सुनसान जगह पर लेके चलते हैं, वहीं गैजर इसका जो ना मत्था खत्म करेंगे, मतलब खेल खत्म करेंगे। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गैजर आप जो मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते गैजर अभी ना एक सुनसान जगह पर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर ना मैंने माइकल और फ्रैंक के पास भी कॉल कर दिया। मैंने बोल दिया कि जितनी जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी आ जाओ। अरे बेटा क्या बोल रहा है, ज़्यादा मत बोले, नहीं तो सही में डिग्गी के अंदर ही घुसा घुसा के मारूंगा। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर मैं पहुँच तो चुका हूँ। बाकी ऐसा आप लोग जो जगह देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा सीक्रेट जगह है। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर जब जैसे उतर जाता हूँ और थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं गाइस यहाँ पर जो फ्रैंकलिन और गाइस जो माइकल है वो कब तक आते हैं। वैसे तो गाइस मुझे पक्का पता भाई ये दोनों जो है टाइम लगा देंगे। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो वेट करते करते भाई पूरी शाम हो चुकी है, लेकिन गाइस अभी तक माइकल और फ्रैंक की अता पता नहीं। लो भाई साहब जी, यहाँ पर माइकल भी आ चुका है, और यहाँ पर फ्रैंकलिन की तरफ यार माइकल तो ही रहा, भाई फ्रैंकलिन कहाँ है भाई। माइकल तो आ चुका है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर अब सारे से काम है वो ठीक हो चुके हैं। एक बार डिग्गी तो खोल लो यार, डिग्गी खोल के भाई साहब इसकी शक्ल तो दिखा दो यार। बट कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा वो सुट्टा उट्टा मार जा रहा है, मुझे नहीं पता माइकल जो सुट्टा उट्टा मार रहा है। तो कोई नहीं, मुझे पक्का पता भाई माइकल सुट्टा मारते नहीं, उसने फेंक दिया। लो भाई साहब जी यहाँ पर जो फ्रैंक भी आ चुका, काफी ज्यादा बढ़िया बात हो चुकी है। तो कहते यहाँ पर जो अब इसका काम खत्म करने का टाइम आ चुका है। बेटा कहाँ है वो, कैसे ये छुपा हुआ, मतलब छुपा क्या हुआ भाई, इसके ऊपर टेप वेप लगा रखे हैं। बेटा मजा आ रहा अंदर की तरफ नहीं आ रहा। तो कोई नहीं कैसे, यहाँ पर मेरे को लग रहा है इसको काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई, इसके मुंह के ऊपर से ना भाई खून वून निकल रहा है। मुझे क्या लग रहा है ट्रैवलर ड्राइवर ने बचाए हो जाएंगे। बेटा बहुत दिनों से चुलपंती कर रहा था, आज इसकी पूरी बरादरी खत्म कर देंगे। तो कोई नहीं, वैसे भी कैसे इसके पास इतना सारा पैसा, इसका सारा जो पैसा ना वो हमारा हो जाएगा। तो कोई नहीं कैसे, यहाँ पर जो अब इसका खेल खत्म करने का टाइम आ चुका है। तो कैसे यहाँ पर जो जल्द से कैसे इसको खाई में गेर देते हैं, क्योंकि कैसे खाई में गेरेंगे ना अब कैसे गाड़ी फट जाएगी, क्योंकि कैसे मैंने इसके अंदर जो एक बम लगा दिया, मतलब कैसे स्टिक बम लगा दिया है, जिससे कैसे गाड़ी तो फटेगी फटेगी। फ्रैंकली मुझे लग रहा है जिमिम करता होगा। ओ भाई साहब, लोग आए थे यहाँ पर जो हमने कहा गाड़ी को जो नीचे की तरफ फेंक दिया, काफी ज्यादा बढ़िया सीन हो चुका है। अब गए थे यहाँ पर जो, अबे फट गया भाई कैसे गएगी। ओके ऐसे यहाँ पर जो ये फट फुट के गए चीज खड़े हो चुके हैं। फाइनली हमने डेविन का गए खेल खत्म कर दिया, बहुत दिनों से चुलपंती कर रहा था। यहाँ पर जो ट्रेसी के डॉग का हमने बदला लिया है। अब गए थे मेरे को एक बात समझ नहीं, पता नहीं माइकल और ट्रेवर इसी बात को लेकर जो है ये झगड़ा कर रहे हैं। तो कोई यहाँ पर फ्रैंकली ये बोले कि भाई साहब भाड़ में जाओ तुम दोनों, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे सोना है। तो कोई निकाल यहाँ पर माइक फ्रैंकलिन अपना जा रहा है। फ्रैंकलिन भाई साहब चुले, मतलब फ्रैंकलिन चिल है भाई, फ्रैंकलिन मस्त रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो भाई साहब यहाँ पर जो है माइकल भी अपने घर जा रहा है। तो चलो गाइस, आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ब्रो को अच्छी लगे अच्छी लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.